ईस्ट पूर्व देशांतर या लैटिट्यूड के बीच उतर कर आज भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अक्षांश और देशांतर पर उतरने के लिए लगभग 84 मिनट पहले ही पूर्व निर्धारित निर्देशांकों 70.8992 साउथ अक्षांश और 22.7811 पूर्वांतर देशांतर को लैंडर के कंप्यूटर को भेज दिया गया है। किन्हीं तकनीकी कारणों के चलते अगर ये संभव न हो सका तो इसरो ने इसके लिए दूसरा विकल्प भी तैयार रखा है, जो ALS-0, ALS-1, जो 67.74915 साउथ अक्षांश और 18.46947 वेस्ट देशांतर लैटिट्यूड का चयन कर लिया गया है। आज के दिन तक पहुंचने से पहले चंद्रयान 2 की 48 दिनों की ये लंबी सुनियोजित यात्रा चुनौतियों, कल्पनाओं और यथार्थ की गणनाओं से भरी हुई थी और आज ये यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। इस संपूर्ण यात्रा का वृत्तांत अगर सार संक्षेप में कहें तो केवल इतना कि एक तरफ चुनौतियों की कमी नहीं थी तो दूसरी तरफ चंद्रयान 2 के सृजनकर्ताओं के आत्मविश्वास और तकनीकी नेतृत्व में भी कभी कोई कमी नहीं आई। तभी आज भारतीय वैज्ञानिकों और उनका ये अभियान हर कसौटियों पर खरा उतरा है। तभी ये अभियान तकनीकी और एक लंबे इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ ही गई जब हम अपने इस अभियान को पूरा करने के साथ ही एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा। किसी भी अंतरिक्ष विज्ञान समृद्ध राष्ट्र के लिए वो दिन बहुत मायने रखता है जब वो शेष विश्व की तकनीकी और विज्ञान के उन्नत राह पर कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर हो और तैयार हो। गर्व और उत्साह, आत्मविश्वास और प्रगति पथ पर अग्रसर होने की चाह जैसी भावनाओं का मिला जुला प्रवाह आज चंद्रयान 2 के साथ हर भारतीय के दिल में जागृत है। इस समय आप मिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर का ये विहंगम दृश्य देख रहे हैं। बड़ी बेसब्री से हर भारतीय वैज्ञानिक आंकड़ों पर गहन नजर बनाए हुए है। हर आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयान करते हैं। The countdown is at minus 22 minutes, 2 seconds to go. After 22 minutes, you will be witnessing the descent, power descent of the Vikram lander module, as I just mentioned.